तो दोस्तों आज मैं जो कथा म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर, जो कि मंगला चौक के नियर बाई में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारी प्यारी बहुत सारी किटन है। दोस्तों अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप इस कैफे में आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, कैट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं, माइंड फ्रेश होगा। उसके अलावा यहाँ फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो कथा म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर, जो कि मंगला चौक के नियर बाई में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारी प्यारी बहुत सारी किटन है। टोटल यहाँ पर दोस्तों 20 किटन है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट में है। दोस्तों म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर शहर का मोस्ट फेमस कैफे है। दोस्तों अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप इस कैफे में आ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, कैट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं, माइंड फ्रेश होगा। उसके अलावा यहाँ फूड को एंजॉय कर सकते हैं। म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर में आप कैफे को बुक कर सकते हैं और पार्टी वगैरह सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। दोस्तों म्याऊ द कैट कैफे का बेस्ट चीज मेरे को ये लगा कि यहाँ आपको किटन मिल जाएंगे। जैसे आप किसी बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे किटन है। जैसा कि आपको मैं बता रहा था 20 टाइप के किटन है गाइस, कैट्स है और अलग अलग आपको यहाँ पर कैट्स दिख जाएंगे। आप फोटो वगैरह भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट कैफे है और मैं बहुत समय से टाइम स्पेंड कर रहा था किटन के साथ में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दोस्तों म्याऊ द कैट कैफे का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, स्पेस को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको वुड के बहुत सारे बने हुए दिख जाएंगे जहाँ पर आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह लगे हुए हैं गाइस, ग्रीनरी वगैरह बहुत ही तबाही है, आपको क्लिप में दिख भी रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ से पूरा नीचे का भी व्यू अपन को दिख रहा है। म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर का मेरे को भाई ने कमेंट किया था कि भैया म्याऊ द कैट कैफे जाइए और वीडियो बनाइए, तो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और यहाँ आप कैफे को बुक करेंगे उसके लिए मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों यहाँ बहुत सारे किटन है गाइस, सभी को इंजॉय कर रहे हैं किटन के साथ में, उसके अलावा फूड को इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आपको और कुछ कुछ चीज़ यहाँ दिखाते जाता हूँ और फूड को इंजॉय करता हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कैट्स है, ये देखिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये सारे पर्शियन कैट्स हैं। आप आके बताइए अगर आपको पता होगा कि कौन से कैट्स क्या है, करके कमेंट वगैरह भी करिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक झूला है जिसमें आप झूल भी सकते हो, मतलब कि बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हो। बड़े होने के बाद आप झूला वगैरह नहीं झूले होगे, बचपन में बहुत झूले होगे, तो अभी यहाँ आके मतलब म्याऊ द कैट कैफे में आके झूला भी झूल सकते हो, पिक्चर भी क्लिक करा सकते हो कैट्स के साथ में और बहुत सारे चीज़ है। दोस्तों तो चलिए अपने फूड को इंजॉय करते हैं, बाकी आपको क्लिप में बहुत सारी चीज़ चले मैं दिखाते जाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने कैट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लिया है और अपने माइंड को चिल कर लिया है और आपको कैफे को भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैंने जो फूड
अपना ऑर्डर दिया था वो लग के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो आलू टिक्की बर्गर है और उसके साथ मेरे को टमाटो की चटनी दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो वेज ग्रिल्ड सैंडविच है गाइस। तो चले दोस्तों इसको मैं पूरा इंजॉय करता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ होगे, जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, कैट्स पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका मूड चिल हो जाएगा। और यहाँ पर तो अपना फूड आ चुका है, तो चले दोस्तों मैं इसको पूरा फिनिश करता हूँ। सो गाइस फाइनली आपको मैंने म्याऊ द कैट कैफे बिलासपुर को एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ का अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में फॉलो मुझे कर लीजिएगा। दोस्तों कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताइए, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे पीछे साइड मंगला चौक है गाइस, आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक चेक करोगे तो मिल जाएगा, और कुछ भी क्यों रहे तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।